मैं ठीक हूँ बबन मियाँ। आप जा रहे हैं? मैंने पूछे मैंने पूछे पूछे मैंने पूछे स्पेशल। और मुझे जो कि गाना आता नहीं और सबके बीच में हमारी शामत आ जाती है, इसमें गॉस भी नहीं थे तो ब्रेक भी मैंने कहा कि मैं फारिया को पकड़ के प्रैक्टिस कर लूं। और इसमें भी ज़्यादा मजे की बात यह बताऊं कि कल सुबह सुबह मैंने निकला है, मेरी फ्लाइट है और इस वक्त मैं सारी रात बैठ के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये हाल है इसमें पीछे बॉस भी आ चुके हैं। अभी नया चांदर इंटरव्यू हुए थे तो इसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं मेरे घर पर क्या तैयारी चल रही है या चलनी क्या है, मैं नहीं करनी है जाके अगर मैं घर जाऊँगी तो मेरे पास कुछ मार्जिनों का सोए बगैर वहाँ जाके एक ही दफा सोऊंगी और पीछे बहुत सारे टिंग। तुझे चाहूंगी मैं हर दम, हाँ जी तुझे चाहूंगी मैं हर दम, ये ले सिया मुझसे प्यार निभाने की कसम, चले ठंडी हवा तम तम, हाँ जी चले ओए होए ओए होए मैं खा रही हूँ, तुम मेरे कैमरे को क्यों खिला रहे हो? तो मैंने अपना गाना से पूरे गाने अपनी अपनी लाइंस अपनी पास की, मैंने नहीं देखा इनकी क्या लाइन मुझे बाद में ऐसे ही होता है नहीं, मैंने अपनी लाइन की याद की नहीं है। अभी मैं मुझे मैंने कहा लाला मेरी इस लाइन की और आपकी क्या लाइन ये मेरी उसी व्लॉग की कंटिन्यूटी है। तुम्हें पता है इससे पहले हम बना रहे थे, मैं और ये जो प्रैक्टिस कर रहे थे तो अलिया स्नैन बना रहा था। आप इतनी मेहनत करती हैं अपने व्लॉग्स पे? ना करूं, बिल्कुल मेहनत करेंगे। और एक मिनट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा,
दोस्तों कल यानी कि एक दिन पहले डॉक्टर साहब ने एक आधा व्लॉग बनाया, आधा अब बना रही हूँ, तो आप चेक करें कि कितनी डेडिकेशन अपनी शो कर रही है व्लॉग के हवाले से। और तो आपको पता है कितने घंटे रह गए हैं मेरे जाने में? थोड़े से, क्योंकि अर्ली आपका जो है वो डिपार्चर है। यस बड़ी। तो कैसा फील कर रही हैं आप? यहाँ की याद आएगी आपको बहुत ज्यादा, यहाँ के रोड्स, यहाँ की बिल्डिंग। मैं अपनी टीम को मिस करूंगी, अपने काम को मिस करूंगी, यहाँ के रोड्स के बच्चे। बिल्डिंग्स नहीं, क्यों? गुजर होता है ना रोज, इंसान सोच रहा होता है, एक अनसियत सी हो जाती है। के बाद सबसे ज्यादा क्या चीज मिस करूंगी मैं अपनी टीम को? ये जो हमारा फन टाइम होता है ना, ये हमारा दिल जो है ना मिला। नहीं, सबको पता है कि मैं जब जाती हूँ तो मतलब आप ये जो हम शोल कर रहे होते हैं ना बिहाइंड द कैमरा, ये ज्यादा मजे का होता है। जी जी। वो तो एक फॉर्मल बैठे हुए क्लास चल रही होती है। एक बात बताओ, जहाँ पे आप काम कर रहे होते हो वो एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जिसमें अरे तलत साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, कैसे हैं आप? आपका अभी मैं मेरा उस वक्त मुझे मौका नहीं मिल सका, मुझे जहाँ टाइम मिलेगा ना गैप में मैंने आपका वायलिन भी रिकॉर्ड करके लेके जाना है अपने साथ। बहुत अच्छा। मैं इस वक्त एक्चुअली रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मैं अपने यूट्यूब के लिए अपना व्लॉग बना रही हूँ। सो मैंने अभी जैसे ही हम ब्रेक पे हैं, वैसे तो टाइम है पता नहीं बॉस कहाँ पे, वायलिन जहाँ मुझे मौका मिला याद कराना बनाना। एक चीज मैं कहूँगा जाने से पहले, ईट एंड फ्राइज अ डे, ईट एंड फ्राइज अ डे, ये लें जी, ये हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ बबन मियाँ। आप जा रहे हैं? मैंने पूछे पूछे मैंने पूछे आपका पता चला, अब तो वक्त गुजर गया ये पता चलने का। मुझे ये बताएं, ये आप वहाँ पहुँच के अपलोड करेंगे या हमें यहीं पे देखने को? भाई मेरे पास तो घर पहुँच के पैकिंग का टाइम नहीं है, तो वहाँ पहुँच के। हाँ जी, मेरा ख्याल है जैसे मुझे टाइम मिलता है इंशाल्लाह। इसमें काम कीजिएगा आप, इसको उस पार्ट में लगाना, आपने वहाँ पहुँच के भी बनाया फिर छूट पड़ते। अरे ये है हमारे डायरेक्टर डी ओ पी। 3 दिन का ब्लॉग हो जाएगा और आप आधा पाकिस्तान में, पाकिस्तान में और आधा वहाँ। भाई देखें, भूख जब लगी हो तो फिर क्या कहते हैं? Eat a fries a day. Eat a fries a day. Thank you. You eat these fries away a day and I am going, so you will be क्या kept away from the doctor. जी सर, एन एप्पल अ डे, वो तो यही कह रहे ना, ईट एन एप्पल अ डे, वो है ना, कीप्स द डॉक्टर भाई, क्योंकि शूट के दौरान ऐसी हालत हो जाती है हम सब। जी नहीं, लाले के खाने के दौरान होती है, लाले की वैसे भी होती है। आज हमने कमाल शोज रिकॉर्ड किए हैं, वो आप देखेंगे अनकरीब। और एक आप देखिएगा उसमें ब्लूपर, पहली बार म्यूजिक वाले शो में आने वाले है ना। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे कहा कि ये क्या बात हुई, मेरे ओएमसी को ब्लूपर नहीं मिलते, आज ये वाले शो के जरूर ब्लूपर जाएंगे। और वो ब्लूपर पहला किसका होगा? एनी गेसेस? हमारी आवाम को पता है पहला ब्लूपर किसका आएगा? बाबर फतेह अली खान के लिरिक्स और इनके इंग्लिश इनकी। ओके लाला, बाय।